शिक्षा मित्र से जुड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और साथ में दबाइए इस बेल आइकन को भी, और हमारी वेबसाइट पर विजिट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके नीचे लिंक पर क्लिक कीजिए और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट को, जिस पर मिलेंगे आपको सारी जानकारी लिखित में और सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड कर सकेंगे और उनका यूज कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा में समाचार में फिर से एक बार। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ शिक्षा में से जुड़ी हुई चार खबरें। ये चार खबरें प्रशासनिक तो नहीं है लेकिन शिक्षा में संगठन से जुड़ी हुई खबरें हैं। चलिए मैं आज आपको बताता हूँ ये चार खबरें, लेकिन उससे पहले मैं आपसे फिर यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि शिक्षा में से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे सबसे पहले। और अंत में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो आपके और अन्य साथियों तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं आज के समाचार। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षा मित्र एक महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। जी हाँ, मेरठ में ये महापंचायत आयोजन की जाएगी। 22 जुलाई को ये महापंचायत मेरठ में आयोजित की जाएगी और इसके निवेदक वही हैं जिन्होंने लखनऊ से दिल्ली तक पदयात्रा की थी, यानी सचिन शर्मा जी, दुष्यंत सिंह चौहान और धर्मेंद्र कुमार पांडे जी इसके निवेदक हैं। और उन्होंने शिक्षा मित्र के सभी संगठन के पदाधिकारियों को, जहां तक कि आम शिक्षा मित्रों को भी इस महापंचायत में आमंत्रित किया है, ताकि वो लोग एकत्र होकर एक विचार मत हो सकें। दोस्तों इस पंचायत के संबंध में अभी ज़्यादा बातें स्पष्ट नहीं हुई हैं, क्योंकि ये महापंचायत आयोजित तो हो रही है लेकिन इसके उद्देश्य को पूर्ण रूप से विस्तार से नहीं बताया गया है। अभी पता नहीं चल रहा है कि इस महापंचायत का उद्देश्य क्या है। जहां तक संभावना लगाई जा रही है, इस महापंचायत का उद्देश्य शिक्षा मित्रों के हित के लिए एक ऐसा मांग पत्र तैयार करना, सरकार के समक्ष उसको रखना और रणनीति बनाना, सभी संगठनों का एक मंच पर आना, यही उद्देश्य लग रहा है। लेकिन शिक्षा मित्र ऐसी ही एक बैठक लखनऊ में पहले भी कर चुके हैं, जया गंगवार जी के अनशन के बाद जो सभी संगठन एक साथ एक मंच पर आए थे, लखनऊ में एक बैठक भी हुई थी, एक संयुक्त मांग पत्र भी तैयार किया गया था, लेकिन उसके बाद भी उमा देवी जी का धरना अलग लगा था और संयुक्त मोर्चा का धरना अलग लगा था, उनकी मांग पत्र भी अलग अलग हो गए थे। तो अब इस महापंचायत में देखते हैं कि कितने शिक्षा मित्र संगठन इसमें भाग लेते हैं। दोस्तों इस महापंचायत के संबंध में एक संगठन ने अपने विचार व्यक्त किए और उस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि आदर्श समावेत शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शाही जी ने इस महापंचायत का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मैं इस पंचायत में शामिल नहीं होऊँगा, और सोशल मीडिया पर अगर मेरा नाम लिखा जाता है इस महापंचायत में शामिल होने के लिए तो गलत है, मैं इस महापंचायत का बिल्कुल भी समर्थक नहीं हूँ। उनका मानना है कि वो पिछले 6 महीने से लगातार सरकार से संपर्क बनाए हुए हैं और सरकार को अपने पक्ष में लेके ही शिक्षा मित्रों के लिए कुछ लाभ निकलवाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन वो किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जिसमें सरकार विरोधी रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि आवश्यकता पड़ी तो ये संगठन अकेले ही अपने शिक्षा मित्र साथियों के साथ, अपने प्रदेश के स्कूल नेटवर्क के साथ शिक्षा मित्र संगठन धरना करने के लिए सक्षम है, यानी अकेले ही आगे भविष्य में अगर सरकार के विरुद्ध उन्हें जाना पड़ता है तो अकेले ही सक्षम है उन सरकार के खिलाफ जाने के लिए, इसलिए उन्होंने महापंचायत में शामिल होने से मना कर दिया है। वैसे ये समय आप समझ ही रहे हैं कि इतने लखनऊ में धरना होने के बावजूद भी सरकार जब अभी तक नहीं कोई मांग मान रही है और ना अभी तक झुकी है शिक्षा मित्रों के आगे, तो हो सकता है कि जितेंद्र शाही जी सही कह रहे हैं और सरकार को पक्ष में लेके ही शिक्षा मित्रों के लिए कोई ना कोई निर्णय निकलवा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपनी सारी मेहनत को बचाने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो वहाँ पर शामिल हो जाएं और मेहनत ख़राब हो जाए, तो उन्होंने इस महापंचायत में आने से मना कर दिया है। तो दोस्तों ये थी शिक्षा में से जुड़ी पहली खबर महापंचायत संबंध में। दूसरी खबर मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि हल्की सी थोड़ी सी बुरी खबर है, क्योंकि आपको पता ही है कि त्रिपुरा में टेट बीएड वालों के लिए भी लागू कर दिया है प्राथमिक स्तर का, यानी कि अब त्रिपुरा में बीएड अभ्यर्थी भी प्राथमिक स्तर का
टेट दे के प्राथमिक भर्ती में शामिल हो सकते हैं, प्राथमिक शिक्षक में भर्ती में शामिल हो सकते हैं, वो भी अब 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए मान्य होंगे। एनसीटी के किए गए संशोधन के बाद त्रिपुरा एक पहला ऐसा राज्य बना जिसने उनके इस नियम का संशोधन अपने राज्य में लागू किया और बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षा में शामिल करते हुए उन्हें अवसर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो प्राथमिक स्तर का 1 से 5 तक वाला टेट उत्तीर्ण करें, फिर भर्ती में शामिल हों और फिर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करें, जैसा एनसीटी ने नियमानुसार बताया है। तो त्रिपुरा का ये जब नियम, मतलब त्रिपुरा सरकार ने जब ये नियम अपने यहाँ लागू कर लिया है तो उत्तर प्रदेश सरकार भी इसको कर लेगी। अब वो सारी स्थितियाँ स्पष्ट हो गई हैं जो पहले संशय में थी कि ये पहले से कार्यरत बीएड अभ्यर्थियों के लिए है कि आने वाले बीएड अभ्यर्थियों के लिए संशोधन है। अब त्रिपुरा सरकार के इस आदेश से स्पष्ट हो गया है कि ये एनसीटी का संशोधन सभी बीएड अभ्यर्थियों के लिए हैं जो कि भविष्य में आने वाले हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया कि अगली 68,500 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों का प्राथमिक स्तर का टेट देके आवेदन करना जायज़ माना जाएगा और मान्य माने जाएंगे। और आप समझ सकते हैं कि शायद लगभग 10 लाख का आंकड़ा बताते हैं कि 10 लाख बीएड बेरोजगार हैं। अगर इतने आवेदक भर्ती में आ गए 68,500 शिक्षक में तो आप समझिए कि कितना कंपटीशन हो जाएगा। चलिए मैं अब आपको तीसरी खबर में आपको बताना चाहूँगा कि एटा जिले के पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद जी को शिक्षा मित्रों ने ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन को वो लुईस खुर्शीद जी के माध्यम से राहुल गांधी जी तक पहुँचाएंगे और कहेंगे कि अगर आपकी सरकार, अगर कांग्रेस सरकार केंद्र में वापस आती है तो आप शिक्षा मित्रों के लिए जल्द से जल्द अध्यादेश लाकर या कैसे भी नियम का संशोधन करके शिक्षा मित्रों को पूर्ण रूप से बहाल करेंगे या कोई ना कोई राहत जरूर प्रदान करेंगे। तो उन्होंने लुईस खुर्शीद जी जो पूर्व विधायक हैं एटा के, उनके माध्यम से राहुल गांधी जी को ये संदेश भेजा है। तो ये शिक्षा मित्रों की पहल है अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, एक और उन्होंने एटा जिले से इकाई ने ये पहल शुरू की है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद जी जो हैं कांग्रेस से, उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में शिक्षा मित्रों को शामिल करेगी, उनकी समस्याओं के निदान के लिए शामिल करेगी और वो बीजेपी पार्टी की तरह अपने वादे से नहीं मुकरेगी, जो कहेगी वो करके दिखाएगी शिक्षा मित्रों के लिए। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में शिक्षा मित्रों का शामिल होना इस ज्ञापन से संभव लग रहा है। दोस्तों में आपको चौथी और अंतिम जो मुख्य खबर है वो मैं उस संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि 14 जुलाई को, यानी कि कल 14 जुलाई को आजमगढ़ में जिला अध्यक्ष जो बीजेपी के थे जयनाथ सिंह जी, उनको ज्ञापन देने की एक खबर आई थी कि उन्होंने ज्ञापन लेने से मना कर दिया है शिक्षा मित्रों का। तो शिक्षा मित्रों का ज्ञापन लेने से जो जयनाथ जी जो हैं वो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, ये बात बिल्कुल गलत बताई जा रही है कि उन्होंने शिक्षा मित्रों को ज्ञापन लेने से मना कर दिया है, क्योंकि आजमगढ़ में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का आगमन था तो उस संबंध में वहाँ शिक्षा मित्र पहुँचे थे कि हमें प्रधानमंत्री से मिलने का समय दिया जाए और हमारा ज्ञापन है। तो हो सकता है कि मिलने के लिए उन्होंने मना कर दिया हो लेकिन ज्ञापन लेने से उन्होंने मना नहीं किया है, और इस बात की पुष्टि की है मनेंद्र कुमार जी ने जो वहीं के शिक्षा मित्र हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है, उन्होंने ज्ञापन लेने से बिल्कुल मना नहीं किया। हमने 13 तारीख को कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान और सांसद महोदया नीलम सोनकर जी के साथ, जहां और विधानसभा परिषद के जो सदस्य हैं यशवंत जी, उनके समक्ष वहां पर हमने अपना ज्ञापन दिया है और जयनाथ जी ने हमारे ज्ञापन को गंभीरता से लिया है और उन्होंने कहा है कि सरकार को इस संबंध में अवगत जरूर कराएंगे। तो इस तरह की जो सूचना थी वो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से गलत थी, वायरल थी, ऐसा नहीं था। उन्होंने इस बात की पुष्टि के लिए अपने फ़ोटो भी उन्होंने डाले हैं, जहाँ पर उन्होंने ज्ञापन दिया था वो फ़ोटो भी उन्होंने डाले हैं और पुष्टि की है कि हमने 13 तारीख को ही ज्ञापन दे दिया था। तो दोस्तों, शिक्षा मित्र से जुड़ी हुई ये 4 खबरें थीं जो मैं आज आपके लिए लेकर आया था, और भविष्य में भी जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा कि कोई ना कोई खुशखबरी आपको सुना दूं अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन सरकार है कि सुन ही नहीं रही है। लेकिन शिक्षा मित्र से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और इसके लिए मात्र बस आपको नीचे एक लाल बटन दिखाई देगा, उस पर आपको
क्लिक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, साथ में दबाना है बेल आइकन को। साथ में साथ मैं अपने प्रिय सब्सक्राइबर्स और कमेंटेटर से ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप जो भी कमेंट करें वो एक संयमित भाषा में करें, क्योंकि आप अगर कोई भी अपशब्द लिखते हैं, कोई गाली अगर लिखते हैं, किसी को कुछ अगर बुरा भला कहते हैं, तो यूट्यूब उन शब्दों को पकड़ के आपके मैसेज को शो नहीं करेगा, वो उसको छुपा लेता है। और डीपी अवस्थी इस मामले में आप समझ सकते हैं, डीपी अवस्थी एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके मैसेज अक्सर यूट्यूब जो है हेल्ड रिव्यू में डाल देता है और उनको हाइड कर देता है, क्योंकि वो कुछ गलत शब्द लिख देते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, और जितना आप गाली लिखेंगे उतना YouTube गाली सीख जाएगा और वो उतनी ही शब्दों को पकड़ना शुरू कर जाएगा। तो मेरे सभी सब्सक्राइबर से यही विनती है कि आप किसी भी प्रतिनिधि, किसी भी राजनेता, किसी भी प्रदेश के शिक्षा मंत्री संगठन के किसी भी अध्यक्ष को आप संयमित भाषा में जो सुनाना है सुनाइए, लेकिन आप किसी भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं कीजिए। इसी के साथ मैं चलिए आज के समाचार समाप्त करता हूँ। मैं आपका साथी गोपाल सिंह, नमस्कार।